भेलोपुर डकैती कांड में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने फिर धमाका किया। शनिवार को उन्होंने 15 मिनट 9 सेकंड की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। यह ऑडियो भेलोपुर डकैती कांड से जुड़ी बताई जाती है। ऑडियो भेलोपुर पुलिस के कुछ अफसरों और डकैती के आरोपित सारनाथ क्षेत्र के निवासी अजीत मिश्रा उर्फ गुरुजी के बीच की बातचीत की बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से यह रिकॉर्डिंग मिली है। यह 30 मई की रात भेलोपुर पुलिस के उपनिरीक्षक सुशील कुमार और उत्कर्ष चतुर्वेदी द्वारा अजीत मिश्रा के साथ तब की बातचीत की बताई गई है, जब पुलिस अजीत मिश्रा को 30 तारीख की रात जबरदस्ती एक सफारी गाड़ी में बैठाकर पैसे की वसूली के लिए वाराणसी से लखनऊ ले जा रही थी। इस बातचीत में अजीत मिश्रा पैसे के शीघ्र बरामद होने की बात कह रहा है। वह कह रहा है कि 49 से 50 लाख की बरामदगी की बात हो चुकी है, जबकि पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि सीओ साहब इस मामले में विशेष रुचि ले रहे हैं। सीओ साहब हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वे इस मामले में लगातार लगे हुए हैं। इस पर अजीत मिश्रा यह कह रहा है कि सीओ साहब सेटलमेंट वाले हैं तो उन्होंने क्यों नहीं सेटलमेंट कर लिया। पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि सीओ साहब ये चाहते हैं कि सारा पैसा उन्हें मिल जाए, वे माला माल हो जाए और बाकी किसी को कुछ मिले या न मिले। यह भी कह रहा है कि अब वे हम लोगों का नुकसान भी करेंगे। इसी बातचीत में पुलिस वाला कह रहा है कि एडीसीपी साहब को बता दिया जाए कि 11 बजे तक पैसा हर हाल में आ जाएगा। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की बातचीत भेलोपुर लूटकांड को पूरी तरह संदिग्ध बना देती है। पुलिस के अभिलेखों में 5 जून को लूट की घटना दर्ज हुई, वहीं उससे 6 दिन पहले ही पुलिस द्वारा इस प्रकार बरामदगी का प्रयास करना और इस प्रकार की बातचीत करना इस बात को स्पष्ट करता है कि डकैती कांड में पुलिस वालों की मुख्य भूमिका थी। पैसे मतलब है ना, तो एडीसीपी साहब को बोलिए 11 तक पैसा हर हाल में आ जाएगा। उनसे बस इतना बता दीजिए कि 11 बजे तक हर हाल में आ जाएगा, लेकिन चलने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा भैया ना सुशील भैया।